वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35 ये फिर से लागू करेंगे। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है। जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके, कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए, 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया, पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है। ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं, न झुकेगा न डिगेगा न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35 जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुछ चेष्टा 1952 में की गई थी,
और यह प्रावधान था कि यह अस्थाई प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, वह भी दिन हमने कश्मीर के अंदर देखा था जब इस धारा 370 के कारण कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था और वहां पर जिसने भी भारत के पक्ष में कोई बोलता था उसका कत्लेआम होता था, सामूहिक नरसंहार होता था। वह कश्मीर, जिस कश्मीर में 1989 या 90 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर को सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी और कश्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कश्मीर इस सुखद अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह
जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। मैं एक बार फिर से जो ये पर्व लोक आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, एकात्मता और अखंडता के प्रतीक है, इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। लोक आस्था का यह महापर्व छठ आप सबके ऊपर, छठी माया मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।